देश में पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। मोदी सरकार में 247% पेट्रोल में और डीजल में 794% की वृद्धि हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि मोदी सरकार ने बिना सोचे समझे नोटबंदी की, बिना सोचे समझे जीएसटी लेकर आई, आज उसका परिणाम जनता भुगत रही है। सहाय ने कहा कि देश में आर्थिक संकट की स्थिति है, मोदी सरकार की वजह से भी आर्थिक संकट है। पिछले 7 वर्ष से देश में लगातार महंगाई बढ़ी है, मोदी सरकार जनता की भावना से खेल रही है।